उम्मीद का सफर कहीं से भी शुरू हो सकता है। इस सफर में मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन प्रतिबद्धता और कुछ कर गुजरने की जिद, हौसला और समाज को समर्पण की भावना एक नया रास्ता तैयार करती है। कुछ नवाचार किया जाए, इसके माध्यम से आपको निरंतर अपने घर में आजीविका का साधन मिले, आपने घर बैठ के कुछ कमाई कर सके, तो उसी तरह जो प्रयास किया गया है ये गोधन का, कि इसमें हमारी गाय हमारी माता हम सभी पढ़ा भी है, हम सुनते भी हैं, लेकिन हम क्या उसका फायदा ले नहीं पा रहे। और इस नए पथ पर सफर का नाम है युवा जागृति संस्थान। राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर इलाके से इस सफर की शुरुआत हुई, जिसने पिछले 20 सालों में अपनी ऐसी पहचान बनाई जो यहाँ के निवासियों के जीवन को नया आयाम दे रही है। वो नौजवान जिन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी थी, उन्होंने अपने ही साथ अपने समाज को, अपने समुदाय को एक नए रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। युवा जागृति संस्थान वो संस्था जो प्रकाश की एक ऐसी किरण की तरह जागृत हुई, जिसने आने वाले समय में राजस्थान के जिले में अनगिनत जिंदगियों को प्रकाशमय कर दिया। युवा जागृति संस्थान ने अपना काम शुरू करने के लिए ग्रामीण समुदाय के साथ जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। इसमें महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण के कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका के लिए कौशल विकास जैसे विषयों पर कार्य शुरू किया गया। युवा जागृति संस्थान ने अपने हर कार्य में महिलाओं को वरीयता दी है। मेरा सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है, मैं कोथलगांव की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ LEDP की 7 दिन की ट्रेनिंग ली है। मैंने यहाँ गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश, धूप, दीपक, गणेश जी ये बनाना सीखा है। मैं नाबार्ड और UGIS को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है, मैं ग्राम दौलत सिंह ढाणी की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे 7 दिन की LEDP के तहत नाबार्ड से जो LEDP की जो ट्रेनिंग चली है उसमें मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग ली है। उसमें गोधन की, जैसे अपने गाय का गोबर है वो वेस्ट जाता है, तो उसे अपने क्या करते हैं, उनको रूढ़ी में डाल के खेतों में डाल देते हैं, तो हमने उस चीज़ को यूज़ में लिया है, गाय के गोबर को। हमने उससे दीपक बनाना सीखा है, गणेश लक्ष्मी बनाना सीखा है और उससे धूप बनाना सीखा है। तो इससे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो कि भविष्य में बहुत अच्छा इनकम देने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नाबार्ड और युवा जागृति संस्था को। धन्यवाद युवा जागृति, धन्यवाद नाबार्ड। नाबार्ड द्वारा महिलाओं के विकास हेतु सन 1992 से स्वयं सहायता समूह की शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में SHGs का समूह बनने शुरुआत हुए। हमारे अलवर जिले में बानसूर क्षेत्र में इसी क्रम में युवा जागृति संस्थान, जो कि एक NGO है, उसको सन 2015 में स्वयं सहायता समूह बनने की शुरुआत हुई थी। और हमारा मकसद ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला आत्मनिर्भर बने, अपने आजीविका रेगुलर ले सके, और हमने इसी क्रम में युवा जागृति संस्थान को गत वर्ष 150 महिलाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए एक LEDP सैंक्शन किया था, लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 150 महिलाओं को गोधन, जो काउडंग के वेस्ट हैं,
उसको कैसे हम अपनी आजीविका से जोड़ सकते हैं, कैसे उस प्रोडक्ट को हम अधिक से अधिक फैला सकते हैं, इसकी एक शुरुआत हुई थी। इस परियोजना में जो काउडंग के विभिन्न प्रोडक्ट हैं, जैसे दिए हैं, लक्ष्मी जी हैं और विभिन्न तरह की मूर्तियां हैं जो कि हम अलग अलग त्यौहार में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके उत्पादन को सिखाया गया। उत्पादन के साथ साथ में इसमें एक्सपोजर विजिट भी कराया अलग अलग एरिया में जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है और ये महिलाएं या फिर बड़े लेवल पे काम हो रहा है उनको सिखाया गया। इस ट्रेनिंग से हमारा मकसद, हमारा और जो संस्था यहाँ काम कर रही है युवा जागृति संस्थान, इसका मकसद यही था कि इको फ्रेंडली तरीके से अधिक से अधिक इसका प्रचार हो सके, कैसे अधिक से अधिक त्यौहारों में हम इको फ्रेंडली चीज़ को यूज़ कर सकें जो कि पर्यावरण को का साथ रखते रखते हम उस त्यौहार को एंजॉय कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं इनको आजीविका का साधन मिले और आजीविका का साधन भी रेगुलर मिल सके, इसलिए हम पूरे साल का एक कैलेंडर बनाया है संस्था को साथ लेते हुए। इस कैलेंडर के तहत पूरे वर्ष भर में जितने भी त्यौहार होंगे हर त्यौहार के दौरान लगातार कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बने जाएंगे, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो और विभिन्न प्रकार के त्यौहार हो, उनको महिलाओं को रेगुलर इनकम मिल सके और ये एक मैसेज पहुंच सके पूरे भारतवर्ष में कि हम लोग हर त्यौहार को इको फ्रेंडली तरीके से कैसे मना सकें और साथ साथ हमारी बहनों को रोज़गार मिल सके। काउडंग वेस्ट से जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट में एक खूबसूरती ये भी है कि इसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इको फ्रेंडली तो है ही हैं, साथ ही साथ जो समस्याएं विभिन्न जो हमारे त्यौहार में जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसको डिस्पोज करने की होती है। तो इस प्रोडक्ट में जो काउडंग वेस्ट से होंगे इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट की तरह उसको डिस्पोज कर सकते हैं हमारे घर के गमलों में, हमारे खेत में उसको डिस्पोज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम साथ एक पैकेट्स जो है वो तुलसी के बीज का भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हर एक हमारा जो दिया है या फिर हमारे जो मूर्तियाँ हैं या फिर हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं जब भी हम डिस्पोज करने की बात करते हैं वो हम हमारे घर के गमले में करें या हमारे खेत में करें और उससे एक नए पौधे का को जीवन दे सके, जैसे कि तुलसी हैं या फिर जो भी हमारे घर में पौधे लगते हैं उसको नया जीवन हम दे सकते हैं। देशीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की मैंडेट ही है ग्रामीण उन्नति के लिए काम करने का है, और वो मैंडेट के साथ साथ बहुत सारा इंटरवेंशंस नाबार्ड गाँवों में कर रहा है, और ऐसा एक इंटरवेंशन है हमारा लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम करके LADP। LADP की एक इंटरवेंशन में अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम दिया था लास्ट ईयर, पिछले साल महिलाओं को गौधन से प्रोडक्ट्स बना करके और वो प्रोडक्ट्स का जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना करके वो प्रोडक्ट्स को उसका एग्रेसिव मार्केटिंग करके वो प्रोडक्ट्स को एक अच्छा मार्केट में लेकर के वो प्रोडक्ट से ज़्यादा इनकम उन लोगों को जो प्रोड्यूसर्स को मिलाने के हैं। तो उसके हिसाब में एजेंसी ने 150 महिलाओं को अलवर की बांसवाड़ जिला ये ब्लॉक के महिलाओं को ट्रेन किया है, बैचेस में ट्रेन करके और प्रोडक्ट का जो इनोवेटिव फीचर्स को के साथ साथ वो प्रोडक्ट में क्या एडिशनल फीचर्स भी करने का वो ट्रेनिंग करके और प्रोडक्ट में क्वालिटी इनपुट्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करके बहुत सारा प्रोडक्ट काउडंग गौधन से उन लोग को ट्रेनिंग दिया है, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को उन लोग सेकेंड स्टेज डेवलपमेंट पर भी लेकर गया है, और वो हाथ से बना हुआ है प्रोडक्ट्स और थोड़ा सा प्रिलिमिनरी और प्राइमरी मशीन से कुछ बना हुआ प्रोडक्ट्स वो सब के लिए उसको इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग करने के बाद उसको प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने किया, स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको एग्रीगेट करके नेक्स्ट लेवल पर हाई और मार्केटिंग करने का इंतजाम भी किया, और बहुत सारा मार्केटिंग पायलट्स इन लोग शुरू किया, डायरेक्ट काउंटर टू मार्केटिंग, मार्केटिंग थ्रू नेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करना, ये सब स्टेप बाय स्टेप उन लोग शुरू किया, और उसके बाद वो स्टेप मार्केटिंग का स्टेबलाइज का मार्केटिंग का लाइन स्टेबलाइज होने के बाद अब उन लोग खुद का एक साइट बना दिया, गांव की हाट नाम करके एक वेबसाइट बना दिया,
और वेबसाइट से उन लोग डिजिटल ई प्लेटफॉर्म से डिजिटल प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग शुरू किया। और वो ए प्लेटफॉर्म ए वेबसाइट होने के साथ साथ उन लोग जब पब्लिसिटी भी विविध सरकार स्थापनाओं और बाकी प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी में भी इसका पब्लिसिटी भी किया और साथ साथ ऑर्डर्स अभी आना शुरू किया। एक एक प्रोडक्ट से एटलीस्ट ए जो इसका जो प्रोड्यूसर है एटलीस्ट 10-20% तक उसको मार्जिन मिल करके वो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट पैसा मिलने का संविधान इन लोग बना दिया। शायद इन लोगों का होप है ये जो वुमन महिलाओं जो इसमें से एसोसिएट किया है उसको ये आने वाला महीने में आने वाला जो त्यौहार में और त्योहारों में इन लोगों का ये प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट बेच करके उसका इनकम लेवल अभी जब इन लोग शुरू किया था उससे एक अच्छी तरह 3-4 गुना ज़्यादा होने का प्लानिंग में है। वो प्लानिंग के साथ साथ इन लोगों का प्रोडक्ट इनोवेशन भी इन लोगों का सेल उन लोग कर रहा है और प्रोडक्ट मार्केटिंग भी उन लोग अपग्रेड कर रहा है। तो ये इन द नियर फ्यूचर ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का स्पेशलिटी है ये कि ये प्रोडक्ट को क्या स्पेशलिटी है कि एक टोटली बायोग्रिड बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली और इसमें बाद में यूज़ होने के बाद इसमें डिस्पोजेबल में वेस्ट डिस्पोजेबल में भी इसको इजी होगा एडवांटेज होगा और उसमें एक सिस्टम होगा। सो इट इज़ अ टोटल ये पूरा बायो इकोलॉजिकली फ्रेंडली एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोग्राम इन लोग लेकर आया है। इसका सस्टेनेबिलिटी भी एकदम जल्दी होने का संभावना है। हमारा ये विश्वास है कि जो महिलाओं इनमें अभी जुड़ा हुई 150 ये वो नंबर ज़्यादा इंक्रीज होगा और एक कमिंग कुछ महीनों का अंदर पर इन जो महिला इसमें जुड़ा है उसका नंबर्स बड़ा होकर के एक अच्छा एक प्रोड्यूसर कंपनी का रूप पर भी होगा और साथ साथ इनका इनकम होगा। हमारा पूरा विश्वास है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एक LADP प्रोग्राम में वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने का 100% चांस है। और इसी तरह नई भोर के उजास के साथ एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है।